हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे वो आई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में। देखो, यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे पूछती है, या तो आपको ये पूछ सकती है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, या फिर इस रिपोर्ट के बारे में कौन कौन से पैरामीटर यूज किए जाते हैं, या फिर इंडिया का क्या क्राइटेरिया, मतलब इंडिया की जो रैंकिंग है वो कैसी रही है। इस तरीके से कई क्वेश्चन वो यूपीएससी पूछ सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 है वो पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। ये जो रिपोर्ट है ये वो 2006 से हर साल है वो जारी की जाती है एनुअली। ये ध्यान रखना कि मतलब वार्षिक रिपोर्ट है और हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसको जारी करता है। 2006 से इसकी स्टार्टिंग है वो हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप जो इन रिपोर्ट है इससे एक इंडेक्स भी तैयार किया जाता है, और उसमें चार पिलर हैं, इनका यूज किया जाता है। मतलब चार क्राइटेरिया आप बोल सकते हो कि चार पिलर के बेसिस पे ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। कौन कौन से चार पिलर हैं ये यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। पहला है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तीसरा है एजुकेशनल रेंज, और चौथा यहाँ पे है हेल्थ एंड सर्वाइवल। अब हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या फोकस किया जा रहा है। देखो, इस रिपोर्ट में फोकस किया जाता है कि ये जो चार क्राइटेरिया हो गए ना, चार पिलर हो गए कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसी के साथ ही एजुकेशनल टेंशन की बात की जा रही है, और हेल्थ सेक्टर। मतलब इन चार एरियो में वर्ल्ड में जेंडर में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको इस रिपोर्ट से चेक है वो किया जाता है कि भाई कितना भेदभाव हो रहा है मेल फीमेल वगैरह में। इसी को लेकर रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। एम क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो भी गैप है मेन और वुमेन के बीच में हेल्थ को लेके, एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन एरिया को लेके उस रिपोर्ट को पब्लिश है वो करती है कि भाई कितना कितना डिफरेंस है वो चल रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इस बार इंडिया की रैंकिंग वो रही है 112, 153 कंट्रीज में से। 2018 में अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग थी 108। मतलब इंडिया की रैंकिंग वो थोड़ी पिछड़ी है, इंडिया काफ़ी पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर आप ध्यान रखना कि इंडिया की रैंकिंग है वो लास्ट पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है लगातार या घट रही है। देखो, पिछले साल थी 108 और इस बार कितनी रही है 112। तो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लगातार घट रही है लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो यहाँ पे है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के बारे में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसके द्वारा अभी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत है वो की जा रही है। क्या है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन वो हम जानते हैं। देखो, 2018 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है वो जारी की थी, और उस पॉलिसी का एक अहम पार्ट था जिसका नाम है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो उस मिशन को गवर्नमेंट इस साल लॉन्च है वो कर रही है। आपको पता होगा गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चला था पहले, खैर अभी भी चल रहा है, भारत नेट। फिर भारत नेट का सेकेंड वर्जन भी आया था, भारत नेट 2.0 इस तरीके से। तो भारत नेट जो प्रोग्राम था ना वो इसी टाइप का प्रोग्राम है, आप बोल सकते हो कि उसका मेन टारगेट ये था कि हमारे देश में जो भी गाँव है ना उन सभी में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जाए। मतलब हर एरिया में, गांव के ऑलमोस्ट एरिया आप बोल सकते हो कि हर ग्राम पंचायत में एटलीस्ट एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाए। इस तरीके कुछ इसमें टारगेट है वो रखे गए थे। इन्हीं ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत नेट प्रोग्राम है वो आया था, और उसी के तहत अभी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है वो जारी किया गया है कि इनकी ब्रॉडबैंड है वो सभी घरों तक पहुँचाया जाए, ये गवर्नमेंट का एक टारगेट है। देखो, भारत नेट जो प्रोग्राम है ना इसका टारगेट ये था कि 2022 तक हर घर में इंटरनेट है वो होना चाहिए। तो हर घर में नेट के ऊपर फोकस है वो किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जो डिजिटल लिटरेसी की बात करो या फिर और भी कोई तरीके बात कर सकते हो आप, चाहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करो, तो कहीं ना कहीं डिजिटल जो लिटरेसी है वो एक इम्पोर्टेंट टूल है वो होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा फोकस है वो कर रही है। अब अगर हम बात करें तो जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है ना इसके तीन प्रिंसिपल हैं, आप बोल सकते हो कि तीन मतलब ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से जिनके ऊपर ये काम है वो कर रहा है। एक तो है ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, मतलब सभी के पास इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड है वो अवेलेबल होना चाहिए। कनेक्शन ले या ना ले वो कस्टमर की मर्जी होती है, बट आपके पास कम से कम कनेक्शन प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए। इसी के साथ क्वालिटी वाली सर्विस होनी चाहिए और अफोर्डेबल रेट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप रेट इतनी ज़्यादा रख दो कि कोई कस्टमर लगवा ही नहीं पाए। मतलब रीजनेबल रेट होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और सभी तक ब्रॉडबैंड की जो एक्सेसिबिलिटी है वो होनी चाहिए। इस तीन जो आप बोल सकते हो कि एरिया पर ज़्यादा फोकस है वो किया जा रहा है। एम क्या है, मैंने आपको बताया कि 2022 तक देश के हर कोने में या रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, सभी तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है वो गवर्नमेंट ने भी लॉन्च है वो किया है।
अब देखो बात यह है कि जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है और जो भारत नेट मिशन है ना, ये किसके द्वारा, मतलब इसको फंड वगैरह पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया है जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यानी कि USOF। ये जो फंड है वो 2002 में सेटअप है, वो किया गया था, जो हमारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये फंड है वो आता है। इस फंड का काम क्या है? ये दो फंड है ना, इसमें जो भी पैसा आएगा, पहली बात तो ये कि पैसा आएगा कहाँ, इस फंड में जो पैसा है ना वो आएगा यूनिवर्सल सर्विस लेवी। देखो जो भी हमारे देश में सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट वगैरह, वॉइस कॉल वगैरह, किसी भी तरह की सर्विस है, मतलब इस मेनली हम बात करें तो कम्युनिकेशन सर्विस की बात की जा रही है, तो उन कंपनीज के ऊपर 5% लेवी है वो लगाई जाती है, और जो 5% लेवी से जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उस पैसे को डाला जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। और इस फंड का यूज ये होता है कि जो रूरल एरिया में या रिमोट एरियाज में, मतलब जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, उसके लिए जो भी पैसा चाहिए वो इस फंड से दिलाया जाता है। इस फंड का जो पैसा है वो आपको मैंने बताया कि कहाँ से आता है, कि जो भी हमारे देश में टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर है ना, इनके ऊपर यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाई जाती है 5%, और फिर उस 5% पैसे का यूज किया जाता है, वो जाता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, यानी कि भारतीय संचित निधि में, और फिर वहाँ से पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है, और फिर जो भी प्रोजेक्ट है इसमें इस फंड का यूज है वो किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो है क्या, किस तरीके से काम है वो करने वाला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है ग्लोबल रिफ्यूजी फॉर्म के बारे में। देखो पहली बार ग्लोबल रिफ्यूजी फॉर्म है वो आयोजित किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अभी कब है? 18 और 19, आज और कल की बात यहाँ पे फोकस है वो की गई है कि कल भी था और आज इसका लास्ट डे है, तो डेट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो रिफ्यूजी फॉर्म है ये होस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी, यानी कि UNHCR, और इसी के साथ ही जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसको होस्ट है वो किया गया है। अब बात है कि इस फॉर्म में किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। देखो जो भी रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उनका सोल्यूशन लेके आना है, कौन सी कंट्री ने कितने अच्छे स्टेप उठाए हैं रिफ्यूजीज को, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, कैसे उनको टेकल किया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन है वो की जाती है, कि भी आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। देखो कोई भी कंट्री के अगर लोग रिफ्यूजी बन रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके, तो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती है ना एक ह्यूमैनिटी के तौर पे, कि भाई उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराया जाए, बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया करवाई जाएं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस है वो किया जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, आगे आप क्या क्या काम करने वाले हो, और क्या क्या रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप उनको एड्रेस है वो कर रहे हो, हर एक कंट्रीज की इन चीज़ों पर डिस्कशन है वो की जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये जो अमृत मिशन है ना, ये अर्बन एरिया में यानी कि शहरी एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मिशन है वो लाया गया है। ये आप ध्यान में रखना कि रूरल एरिया के लिए या शहरी, भाई ये शहरी एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिशन है वो लाया गया है। ये जो मिशन है इसका पहले एक दूसरा पुराना नाम था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल रूरल रिन्यूएबल मिशन। देखो ये जो रिन्यूएबल मिशन था ना जवाहरलाल नेहरू का, इसी को बाद में मॉडिफाई करके थोड़े चेंजेस करके अमृत मिशन में चेंज है वो कर दिया गया था। तो इनकी पुरानी स्कीम या पुराना मिशन क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, और नया क्या नाम रखा गया है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये जो मिशन है इसका फोकस किस चीज़ पर रहेगा, अगर आपको अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म लेके आने हैं, चेंजेस करने हैं, तो किस तरीके का आप चेंजेस करोगे? जैसे कि एक तो वाटर सप्लाई को सुनिश्चित करना, इसी के साथ ही जो सीवरेज और जो सेपरेट मैनेज जो सेप्टेज मैनेजमेंट है इसके ऊपर फोकस करना, इसी के साथ जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है इनके ऊपर फोकस करना जो फ्लड वगैरह आती है उस दौरान, और अगर हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन सॉरी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसको स्ट्रॉन्ग करना रूरल एरिया अर्बन एरिया में सॉरी, इसी के साथ ही जो ग्रीनरी है इसको बढ़ाना, यानी कि जो पार्क वगैरह हैं स्पेस वगैरह इनके ऊपर डेवलप करना, ताकि वहाँ पर अच्छे अच्छे पार्क स्थापित किए जा सकें और जो ग्रीनरी है इसको बढ़ाया जा सके। अमृत मिशन में अभी देखो लगभग 500 सिटियों को सिलेक्ट किया गया है हमारे देश की, और उन सिटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया जा रहा है इस मिशन के तहत। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल है वो आया है RDA। RDA का मतलब है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो क्या है डाइटरी अलाउंस वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो RDA का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये है कि भाई डेली हमारी लाइफ डेली हमारे जो फूड मील होता है डेली हम जितना कंज्यूम करते हैं उसमें कितनी चीज़ कितने न्यूट्रिशंस होने चाहिए, जैसे कि इतने ग्राम कम से कम सॉल्ट होना चाहिए, इतने ग्राम कम से कम शुगर होनी चाहिए, इतनी फैट होनी चाहिए, तो इस तरीके की जो भी आप बोल सकते हो कि भाई आइडियल इतना फूड आपको डेली इंटेक करना चाहिए जिसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस वगैरह होने चाहिए, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है RDA। अभी देखो क्या है कि हमारे देश में सेंटर फॉर जो साइंस एंड इन्वायरमेंट है ना CSE, इसके द्वारा स्टडी की गई
कि मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं ना, स्नैक्स वगैरह जैसे कि लेज वगैरह के और भी प्रोडक्ट आप देख सकते हो मार्केट में जो कि फास्ट फूड टाइप के हैं, इनके अंदर जो आरडीए की गाइडलाइंस है ना कि भाई इतना इतना तो फैट होना चाहिए, शुगर इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फैट भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। मतलब जो भी मार्केट में जो पैकेज फूड मिला है फास्ट फूड वगैरह, इनमें सॉल्ट और जो फैट है ना इनकी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। जितनी सही लिमिट है मान लो कि ये रखी गई थी 10 ग्राम होना चाहिए, तो इनमें लिमिट है वो बहुत ज़्यादा पाई गई है, 50 ग्राम, 70 ग्राम, इस तरीके से लिमिट है वो ज़्यादा देखी गई है। तो उसी को लेके FSSAI है उसके द्वारा इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लिया गया है कि भाई हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो UPSC ये पूछ सकती है इसके बारे में कि RDA के बारे में किसी तरीके से घुमा भी रखें तो हमें ध्यान रखना है। RDA का मतलब कि कितनी डाइट में जो सॉल्ट है, शुगर है, वो हमें रिकमेंड किए जाते हैं डिफरेंट मील के थ्रू कि आप खाना खा रहे हो तो उसमें कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, इन चीज़ों को ये फोकस है वो यहाँ पे करता है। देखो FSSAI के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में बॉडी आती है जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, फूड सेफ्टी को लेकर स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस वगैरह वो इसके द्वारा जारी की जाती हैं। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में डिस्कस किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, 4 क्राइटेरिया जो पिलर है वो हमने डिस्कस किए इसके। फिर हमने इंडिया की रैंकिंग जानी, इसी के साथ हमने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, भारत नेट मिशन प्रोग्राम के बारे में जाना, फिर हमने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में जाना जिसके थ्रू ये मिशन है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फिर हमने ग्लोबल रिफ्यूजी फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जो कि भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित की जा रही है, फिर हमने RDA के बारे में डिस्कस किया, और फिर लास्ट में हमने देखा अमृत मिशन के बारे में कि क्या है अमृत मिशन। तो फिलहाल इतना ही है, थैंक यू फॉर डिस्कशन।